पहुंच के आता हूँ। हेलो, दर्शन के लिए नहीं कि राम जी के दर्शन करना है, पंचवटी के सामने मैं अपने घर आ रहा हूँ, ये मेरा घर है पंचवटी के सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सबको एक ऐसे चीज दादा जी से मिलाने वाला जो कि कर्नाटक से चकल साइकिल से आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसे पहुंचे, उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरे वीडियो में आपको दिखाते हैं, वीडियो लास्ट तक आप बने रहिएगा। ये देखिए दादाजी फाइल लिया पहुंच चुके हैं अयोध्या। दादाजी कितना दिन आप कर्नाटक से? वहाँ से एक महीना लगा था साइकिल को, 100 किलोमीटर डेली चलाते थे। 100 किलोमीटर डेली चलाते थे। देखिए ये बता रहे हैं कि आज अयोध्या कितने तारीख चले हैं? तारीख नहीं जानते, याद नहीं आता। अच्छा तारीख नहीं आती थी दादाजी बताएं तो, तारीख नहीं आता, लेकिन 2 महीने इनको चलते हुए हो गया है। सोच लीजिए कितने, हर आदमी को उत्तर रुकता है कि कोई आगरा से आ रहा है, कोई दूर बहुत दूर दूर से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है। तो दादाजी क्या कहेंगे आप, कब से निकले वहाँ से, क्या कुछ सामना करना पड़ा थोड़ा बताइए। और सामना क्या पड़ रहा है कहने से भी अधिक। अच्छा, कहने लायक नहीं रह गया है। मतलब हमको पता नहीं था कि अयोध्या पहुँचे थे, ऐसे सामना था। अच्छा, आपको पता नहीं था आप अयोध्या पहुँच जाए? हाँ, लेकिन हनुमान जी ने पहुँचाया है। हनुमान जी ने पहुँचाया है। हाँ, और रास्ते में खाने वाला क्या खाते थे आप? अब हनुमान जी जो देते थे खा रहे थे। अच्छा, जैसे हनुमान जी देते थे, मतलब जैसे कुछ भी वहाँ पे खाओ बच्चा, अब सड़क पर सो जाते थे, कहीं सो जाते थे, कोई ठीक नहीं। ये बताइए दादाजी, मतलब गुरु जी बता रहे हैं कभी ये सड़क पर सो जाते थे, कभी मंदिर में सो जाते थे। अब पता नहीं जहाँ जैसे हो जाता है, जैसे हो जाता तो जहाँ पे जैसे हो जाता था। लेकिन आपको अयोध्या आने का नहीं हिम्मत था? अच्छा, क्या क्या सोच, क्या व्यवस्था थे, मतलब यहाँ पे होता है जैसे प्रभु जी का दर्शन? हाँ, दर्शन के लिए आया था। अच्छा। ये हनुमान जी पहुँचा तो अयोध्या अपने जगह बुलाया। अच्छा, दूसरी जगह भेज दो। तो क्या साइकिल से आए? हाँ, साइकिल से। और कितने किलोमीटर आप चलाते थे साइकिल? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर कितना किलोमीटर है कर्नाटक से अयोध्या? यहाँ से लगभग 3000 के। क्या बात है, 3000 किलोमीटर जो कि एक महीने में आके अयोध्या पहुँचे हैं। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, प्रभु की नगरी में आके आज पहुँचे जो कि एक महीने के बाद। और मतलब खाना वाना आप रास्ते में खाते थे? और लोग जो भगत तो दे देते थे खा लेते। अच्छा, रास्ते में जो मिलते थे आपको, कई सारे लोग मिले होंगे जो कि? हाँ, सब तरह के मिलते हैं। अच्छा, क्या बोलते थे जिस रास्ते में जो लोग मिलते थे आपको, जैसे आप क्या बोलते हैं आपको खाने के? आप पूछते थे, पूछने वाला सही तरह के होते हैं ना जी, भाई कोई हमको खाने वाले मिलते थे। अच्छा अच्छा, ये बताए जैसे यहाँ पे आपको रास्ते में जंगल भी मिला होगा? हाँ, सब तो मिला था, जंगल झाड़ी सब, देर हाथ पानी सब रहते हैं जंगल में, वैसे आया हूँ। कोई दिक्कत नहीं हुई थी? कुछ नहीं दिक्कत है, हमको तो पता नहीं है, हनुमान जी सब जानते हैं। बताइए, देखिए प्रभु का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके अयोध्या पहुँचे हैं क्योंकि एक महीनों के बाद, मतलब इनको कई चीजें मिले, लेकिन देखिए जब भक्ति होती है, जब उत्साह होता है ना, कुछ नहीं पता नहीं लगता है कि शेर है कि हाथी है कि बाघ है, कुछ पता नहीं लगता। आप जंगलों से होते होते आते? हाँ। अच्छा, रात में भी साइकिल चलाते थे? रात में भी साइकिल चलाता था। अच्छा। हाँ, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया था कि तू चाहे गिराओ चाहे बताओ। आप अच्छा देखिए, तो साल पहले हुए, बाकी से पहले भी नहीं हुए, ठंड नहीं लगता? सब दर्द हो गई थी छाती में। अच्छा, डॉक्टर से भी दिखाना पड़ा। अच्छा, डॉक्टर भी दिखाना पड़ा? हाँ, कह रहा था कि बाबा साइकिल चलाए हैं, आपकी तबीयत खराब है, छाती में दर्द हो गया है। अच्छा, मतलब आपको मतलब काफी ठंडा लग गई? ठंडा लग गया था, चलाता हूँ ना। अच्छा, देखो ठंडा लग गया। ये देखिए बता दादाजी, पेट दिखा रहे हैं क्योंकि उनको ठंडा भी लग गया था रास्ते में। तो डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर से कहाँ पे तो पैसा नहीं लिए थे, मतलब जब देखे गया था? दवाई नहीं, दवाई लिया था 200 रुपया लग। अच्छा, चेक करवाया था डॉक्टर ने, पैसा लिया था उसने? हाँ लिया, बोल चेक किया था, पता है दवा का पैसा था। देखिए बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। आपकी जितनी जितनी सोच रहेगी, जिसकी जहाँ तक दिमाग रहेगा उतना ही करेगी वो। हाँ, जैसे भगवान करे वैसे होता है, हम क्या दुनिया से ज्यादा कहता नहीं। अच्छा, अयोध्या साइकिल भी चोरी हो गई थी तो एक भगत ने दी थी। अच्छा, ये देखिए बता रहे हैं इनकी साइकिल भी चोरी हो गई, इसने आपको दूसरी साइकिल दी? दिल्ली का भगत। अच्छा, दिल्ली का भगत। अच्छा, आप ये बताइए, आप अयोध्या में पहुँच कैसा लग रहा है आपको? हमको हमको भैया अब क्या कहे, कहने से वर्णन करना भारी पड़ रहा है। थोड़ा 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 तो बताइए थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ, हमको खराब लगता था अयोध्या बार बार आए? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जैसे कि आज अयोध्या आपको बदलाव, इससे पहले अयोध्या कभी आए थे नहीं आप? अरे भैया, हम 2 महीना पर, 1 महीना पर, 15 दिन पर यहाँ आता हूँ। अच्छा, और आखिर रास्ता नहीं है, 2-4 दिन ऐसे ही घूमते रहता। अच्छा, अयोध्या क्या बदलाव दिखा, जैसे आप रोड से आए होंगे इधर, अभी आप क्या बदलाव बदलाव दिखा, इससे पहले आपको क्या दिखा था, जैसे पहले अब नहीं समझो नहीं होता बन चुके, मतलब नया बदलाव हो चुका, आप कहें क्या कहते हैं? भैया कुछ भी हो गया है, लेकिन गाय के शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। गाय को? गाय को शांति नहीं है? कितनों भी बन जाए, लेकिन गाय के शांति नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, गाय ही सब कुछ।
बाबा जी क्या कर सामान लिए इधर आप, कपड़े अपने लिए? भैया ठंडा का दिन है तो रखना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ठंडा का दिन है और रास्ते में बारिश भी आपको सामना करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। बारिश में भी चलता हूँ। अच्छा बारिश में भी चलता हूँ। 10 दिन हो तो 10 दिन चलता हूँ बारिश भीगते हुए। चलिए अब तो आप तो प्रभु की ठंडी है तो ठंडी में चलता हूँ, गर्मी है तो गर्मी में चलता हूँ, चलते रहता हूँ। आप तो प्रभु की नगरी में पहुँच गए हैं। आप पहुँच गए तो अब पाठ प्रतिष्ठा के दिन मंदिर में जाएंगे? भैया हमको भी पता नहीं है, चलता हूँ। अच्छा प्रभु जी के सहारे हैं, देखिए कहाँ कहाँ मौका मिलता है। ये बजरंग बली के सहारे, प्रभु श्रीराम के सहारे हैं, इनको कहाँ कहाँ मौका मिलता है। भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, भगवान जो करता अच्छा ही करता है। 30 वर्ष से चलता हूँ बाहर। अच्छा रुपया उपया कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाहर ही चलते हैं। भगवान से मांगा नहीं कि हमको माल बदलो कुछ या तो कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे होते हैं? अब राम जाने हो थे लेकिन अभी क्या बताऊं। अच्छा बाबा जी ये बताइए आप, मतलब जैसे क्या होता है कि एक लोग कहते हैं भगवान को पूछना है तो भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, आप मतलब कितने साल हुआ? हेलो थोड़ा आप बताइए कुछ अपने दिन अपने। मतलब हम कुछ घोड़े हुए घर 30 वर्ष और हुआ 30 वर्ष हो गया। मतलब आपने आपने 300 किलोमीटर त्याग दिया, वो माया त्याग दिया, सब त्याग दिया। भगवान जी को भगत बनाते हैं जो परिवार से दूर हो गया। अच्छा परिवार में रहने वाला भगवान को भजन कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। सेवा वही करेगा जो परिवार से अलग हो जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोला आपने कि लोग कहते हैं कि घर में रह के भगवान पूजा होती है लेकिन सेवा नहीं होती। सेवा नहीं होती, सेवा वही करेगा। इसमें किसे तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, तो परिवार में रह के बलिदान देना भारी है। और हम कहते हैं जो बलिदान दिया वही मेरा भगत होगा। बिल्कुल कितनी बड़ी, आप बहुत बड़ी बात बोला। चलिए बाबा साहब और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग कोई बहुत दूर दूर से चलकर भगवान प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं। चलिए बाबा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत गर्व महसूस। भैया हम तो दर्शन के लिए नहीं आया हूँ, ये मेरा घर है। बोल दिया बोले राम चंद्र जी माने चाहे मत माने, ये मेरा घर है, मैं घर मानता हूँ। दर्शन के लिए दर्शन तो नहीं आती है, ये मेरा घर है, हजारों बार आता हूँ जाता हूँ, मेरा घर है। कोनो पूछे बापू ये प्रभु, ये मैं दर्शन के लिए नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। ये मेरा घर समझ के आता हूँ। हेलो दर्शन के लिए नहीं कि राम जी के दर्शन करना है, पंचवटी के सामने मैं अपने घर आ रहा हूँ, ये मेरा घर है। अब ये राम जाने जो भगवान देवे जो क्या बताओ। तो ब्लॉग को फाइनली पर एंड करते हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा ताकि हर इंसान के पास पहुंचे। अयोध्या में बहुत दूर दूर से चलकर सब लोग दर्शन करने, ऐसे आप लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, जय श्री राम।